मैंने कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है मतलब एक फेज़ आया था कि जब टेंथ का रिज़ल्ट आया रो रहा था कि अरे मेरा मार्क्स इतना कम क्यों आया है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन था या तो मुझे नीट अच्छा करना है या ट्वेल्थ अच्छा करना है अब मेरे अंदर ना एक आग जल गई थी इस सपने को पूरा करने में मैंने एक भी कोचिंग क्लास नहीं छोड़ा था एक भी मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा था एन बी सर थे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प करा यूट्यूब पर भी हमारे अलग सर थे तो मैंने इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके ना प्रिपरेशन किया एंड आई वाज सॉफ्ट पहला इंटरव्यू मैंने सिलेक्शन ले लिया था और आगे मैं तुमसे तीन चार मिनट लूंगा और मैं तुम्हें यह बता कि आखिर तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है सो हाय एवरीवन मेरा नाम शशि कुमार है और मैं बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज का थर्ड ईयर एम स्टूडेंट हूँ और साथ ही में यार मेरा एक चैनल है यूट्यूब चैनल द एप्रन बॉय करके जहाँ पे मैं लाखों स्टूडेंट को मेंटर कर रहा हूँ उनके सपने को पूरा करने में जो नीट का प्रिपरेशन होता है ना जिस जर्नी के लिए वो मेरे से कनेक्टेड है उस जर्नी को मैंने खुद से पूरा किया है और यार मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपना सिलेक्शन टू में पहला अटेम्प्ट में लिया था तो यार आज मैं अपने पूरे लाइफ की स्टोरी इस मंच पर शेयर करना चाह रहा हूँ यार तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से जब मैं टेंथ में था ना तो टेंथ में होता है ना कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंथ में स्टडी करते हैं तो बहुत बहुत लोग टॉपर होते हैं बहुत लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो यार मैं हमेशा से एवरेज ही था क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ यार कि मुझे पढ़ना है मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पेरेंट्स के बोलने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते हैं मैं उसी कैटेगरी में था उसके बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने का प्लान किया होता है ना कि जब टेंथ के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि आगे एलेवेंथ में ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है तो मेरे पास ऑप्शन ही था कि मैं क्या लूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है ऐसा था ना कि मेरे भैया थे उन्होंने मैथ चूज़ कर लिया था तो मैंने बायोलॉजी चूज़ कर लिया बस इसीलिए ठीक है तो ऐसा होता है ना कि यार कभी कभी हम ना डिसीजन लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि आगे अब लाइफ में क्या करना है क्योंकि मैंने तो डिसीजन ले लिया था मैं, मैंने अपने पापा को समझाया कि मैंने बायोलॉजी चूज़ करा है तो मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करना होगा पापा ने बोला कि चलो ठीक है पता करो कि कहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है मतलब बायोलॉजी लिए हो तो उसके लिए अब आगे क्या क्या स्कोप है ठीक है तो फिर ना स्कूल में सबसे लास्ट में एक फेयरवेल हुआ था हम लोग का टेंथ में ठीक है वहाँ पे काफ़ी सारे मेरे जो स्कूल के बैचमेट्स थे ना वो डिसाइड कर रहे थे कि आगे कहाँ जाना है कहाँ से हायर स्टडीज़ करनी है ठीक है तो वहीं पे कुछ लोग बता रहे थे कि आ, कोटा में कोचिंग होता है एलन करके एक आकाश करके ऐसे तो अलग अलग कोचिंग्स का नाम बता रहे थे मुझे पता भी नहीं था कि ये कोचिंग्स क्या होते हैं ठीक है मुझे तो इनफैक्ट स्पेलिंग भी नहीं पता था कि एलन का स्पेलिंग ए डबल एन करके होता है ठीक है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था तो ऐसा था ना कि जब हम घर से पहली बार बाहर गए थे पटना ठीक है पटना जाने से पहले मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे बहुत सारे बैचमेट जो है ना वो कोटा जा रहे हैं एल से पढ़ाई करने के लिए पापा ने कोटा समय मेरे को नहीं भेजा मेरे पापा मेरे को पटना में दे दिए ठीक है तो फिर मैं वहां गया पहली बार मैं घर से बाहर निकला था इनफैक्ट मैं बता दूं कि मैं घर में ही हमेशा रहता था इनफैक्ट बिहार में भी मैंने पहली बार ही अपने घर से बाहर निकला था अब जिस कोचिंग में मुझे एडमिशन लेना था ना तो उस कोचिंग में एक क्राइटेरिया था क्राइटेरिया ये था कि वहाँ पे अगर मैं फिफ्टी परसेंट मार्क्स ला लेता हूँ ना तो मेरा फूडिंग लॉजिंग ये सब चीज़ें फ्री हो जाएगी ठीक है तो मैंने सोचा यार चलो करते हैं ट्राई करते हैं पापा लोग का भी वो एक्सपेक्टेशन हो गया था कि शायद कर लेगा इस एक्सपेक्टेशन पर मैं पानी फेर दिया था ठीक है मैंने जब वो एग्ज़ाम देने गया था जो एक होता है ना कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले तो एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर मेरे मार्क्स आए थे उन्नीस ठीक है जो कि क्राइटेरिया से बहुत ही कम था तो उस समय पापा को लगा कि मतलब एक वो हो गया था ना गिल्ट की यार इतना कम मार्क्स लाया है ठीक है तब तक ना टेंथ का रिज़ल्ट नहीं आया था फिर जैसे तैसे करके मैंने एडमिशन ले लिया ठीक है स्टार्टिंग का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो सब पे करके एडमिशन ले लिया फिर मेरी जर्नी शुरू हुई थी उस कोचिंग में ठीक है कोचिंग में मैंने स्टार्टिंग में उतना सीरियस नहीं था ठीक है इस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना है मतलब एक फेज़ आया था कि जब टेंथ का रिज़ल्ट आया मैंने मार्क्स निकाला मार्क्स देख के मैं तो सेटिस्फाइड नहीं था कि यार मेरा इतना कम मार्क्स आया है ठीक है मेरे भैया भी मार्क्स लेके आए थे वो मेरे को थोड़ा इमोशनली बोले कि मम्मी को बताया हो मार्क्स मैं उस समय ना रात रात में जब मार्क्स आया था ना मैं मार्क्स लेके बस आ, सो रहा था और मतलब इमोशनल था मैं पूरा रो रहा था कि अरे मेरा मार्क्स इतना कम क्यों आया है तो मैंने सोचा यार कि आगे मेरे पास क्या ऑप्शन है मेरे पास दो ही ऑप्शन था या तो मुझे नीट अच्छा करना है या ट्वेल्थ अच्छा करना है ठीक है फिर मेरे कुछ भैया थे जो वहाँ पे साथ में रहते थे उन्होंने बोला ना कि अगर तुम नीट कर लेते हो ना तो तुमसे ट्वेल्थ का मार्क्स कोई पूछेगा नहीं ठीक है तो फिर मैंने फोकस करना शुरू किया कि यार अब मुझे बस एक ही चीज़ करनी है जो मेरा नीट है ठीक है अब नीट में भी ऐसा था ना यार कि बहुत बार मतलब काफ़ी सारे लोग का एक माइंड सेट है माइंड सेट ये है कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तीन बार चार बार अटेम्प्ट लो तब जाके सिलेक्शन होता है अब मेरे अंदर ना एक आग जल गई थी कि नहीं इस चीज़ को डिसप्रूव करना है मेरे को पहली बार में सिलेक्शन लेना है फिर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया मैंने करना शुरू किया मैंने कोचिंग के क्लासेस वगैरह करना शुरू किया इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूँ कि इस सपने को पूरा करने में मैंने एक भी कोचिंग का क्लास नहीं छोड़ा था एक भी मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा था जब एलेवेंथ में मैं आया था ना अपने कोचिंग में तो उस समय स्टार्टिंग होता है ना कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता हर चीज़ मुझे नया ही लग रही थी इनफैक्ट मुझे फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही थी स्टार्टिंग के चार पाँच मंथ ऐसे ही चला गया मैं कोशिश कर रहा था यार कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा मैं अपने दोस्त का हेल्प ले रहा था बट फिर भी मेरा माइंड उस लेवल का ग्रोथ नहीं कर रखा था कि उन सब चीज़ों को ग्रैब कर सके मैं तुम्हें तो बता दूँ कि मेरे तीन दोस्त थे मेरे तीनों दोस्त में एक दोस्त था जिसको हमेशा 680, 660, 670 ऐसे से मार्क्स आते थे ठीक है आउट ऑफ 720। एक 580 एट्टी के रेंज में रहते थे ठीक है और मेरा रेंज ऐसा था ना कि मतलब 400 भी क्रॉस नहीं कर पाते थे इनफैक्ट मैं तुम्हें तो बता दूँ कि मैंने जो मार्क्स नीट में लाया था ना वो मैंने कभी लाया ही नहीं टेस्ट में हर टेस्ट के बाद मैं ना ये सोचता है कि आखिर मेरा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा मेरा निगेटिव हो क्यों रहा है ठीक है और यही क्वेश्चन मेरे को और ज्यादा अच्छा बनाने में मदद करता था ठीक है मैं हर टेस्ट के बाद यार देखो टेस्ट जो होता है ना वो तीन घंटे का होता है लेकिन मैं एक्स्ट्रा दो घंटा लगाता था टेस्ट के बाद क्योंकि उस टेस्ट को एनालाइज करना मेरे लिए बहुत जरूरी था ठीक है हर एक क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत करा कैसे मेरे से गलत हो गया मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया मैं प्रिपेयर करके गया था टेस्ट का मैं पूरा सिलेबस को रिवाइज करके गया था फिर भी क्यों नहीं मार्क्स आया इन सारे चीज़ों पे मैं हर एक टेस्ट के बाद काम करता था अब उस समय मेरे को लग रहा था यार कि सशी अब क्या होगा तुम्हारा ये सब चीज़ मुझे उस समय ना लिटरली रुला दी थी यार कि मुझे करना क्या है आखिर अब ठीक है फिर मेरे दोस्त थे ना वो एक चीज़ बताए केयर कर सकते हैं कर सकते हैं ऑप्शन है थोड़ा सा मैंने बोला क्या ऑप्शन है तो वो उस समय ना ऑनलाइन स्टडीज उतना थी नहीं कुछ दो चार टीचर थे जो यूट्यूब पे थे मुझे पता चला कि यार फिजिक्स के कुछ अच्छे फैकल्टीज हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनका लेक्चर मिलता है साइबर कैफे वगैरह में बीस पच्चीस रुपया देके तुम एक एक चैप्टर का लेक्चर ले सकते हो ठीक है तो मैंने हर चैप्टर का एक एक लेक्चर हर रोज लेके आता था ठीक है अपने मेमोरी कार्ड में भरवा के और उसको यूज करता था अपनी पढ़ाई में ठीक है एन सर थे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प करा है फिजिक्स उनके वजह से मे, मेरा फिजिक्स आज बहुत अच्छा था मतलब नीट के समय में ठीक है एनवी सर उनका लेक्चर आता था आठ आठ घंटे का मैं एक लेक्चर भरवा के लाता था फोन में क्योंकि स्पेस भी उतना नहीं रहता था, था स्टार्टिंग के समय में फ़ोन में ठीक है आ, मतलब बहुत ही आठ जी का ऐसा स्पेस रहता था मैं आठ आठ घंटे का लेक्चर भरवा के लाता था उसको एक दिन में पूरा कंप्लीट करके लेक्चर डिलीट किया नोट्स बना लिया सब कुछ कर लिया डिलीट करके फिर दूसरा लेक्चर लेके आ गया ठीक है ऐसे ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग के फेज में प्रिपरेशन करना शुरू किया यूट्यूब पे भी हमारे अलग सर थे ठीक है जिनके पुराने लेक्चर्स मिल रहे थे ठीक है केमिस्ट्री के तो वो लेक्चर्स को मैंने यूज किया था अपने प्रिपरेशन में बायोलॉजी में कुछ फैकल्टी थे तो मैंने इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके ना प्रिपरेशन किया बहुत बार होते हैं ना यार अभी अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास लेकिन फिर भी ना तुम लोग कंप्लेन करते हो यार कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है भाई रिसोर्स तो मेरे पास भी नहीं थे मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है नीट टू का डेट आ चुका था जब डेट आया था मेरे पास चार मंथ थे ठीक है जब डेट आ गया था मेरे पास चार मंथ थे वो जो चार मंथ था ना क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं था ठीक ठाक मैं तुम्हें बताया ना कि मेरे 400 के अप्रोक्सी मार्क्स आ रहे थे और सिलेक्शन लेने के लिए 600 के आसपास रहना पड़ता है ठीक है मेरे 400 200 मार्क्स इंप्रूव करना था मेरे को 200 और चार मंथ ही मेरे पास बचे थे मैंने एक चीज़ सोच लिया था कि ये चार मंथ ना मेरे लाइफ का वो चार मंथ होना चाहिए जिसमें मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ सबसे ज्यादा ताकि यार एग्जाम जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पास एक रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं करा फिर वो चार मंथ को मैंने यूटिलाइज करना शुरू किया मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो चार मंथ था ना मैं उस चार मंथ को अपने लाइब्रेरी में बिताया वहां पर मैं पहला बंदा होता था जो लाइब्रेरी का गेट खोलता था और मैं तुम्हें बता दूँ कि लास्ट का जो एक मंथ जब बचा था ना मैंने मोटा वाला एक कॉपी आता ना और मोटा थोड़ा ब्लैक कलर का कॉपी आता है कॉपिया कॉपी पाँच छह कॉपी ने बस रिवाइज करने में खत्म कर दिया था इतना इतना मोटा मोटा और चौदह पंद्रह कलम मैंने रिवाइज करने में खत्म कर दिया क्योंकि मेरे को याद नहीं होता था मैंने एक चीज सोच लिया था कि अगर याद नहीं होता है तो लिख के याद करो ना अगर किसी भी चीज़ को हम दस बार लिखते तो तुरंत याद हो जाएगा तो मैंने लिख लिख के याद करना शुरू किया टाइम बहुत कम था बट कर लिया मैंने ठीक है फिर मेरा एग्जाम का समय आ गया मैं एग्जाम से एक दिन पहले ठीक है एग्जाम दो बजे था मैं बारह बजे तक पूरा अलेवंथ एंड पूरा ट्वेल्थ रिवाइज करके आया था तो यार मैंने पेपर निकाला ठीक है पेपर निकाला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो यार क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में हो रहा है ना कि एन ऐसा पेपर सेट करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन से टफ रहते हैं और मैं तो देख रहा हूँ यार क्वेश्चन तो मेरे से बने बन ही नहीं रहा भाई अब करूँ क्या क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे स्टार्टिंग क्वेश्चन से नहीं बन रहे हैं जब मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था ना मेरे टीचर ने एक चीज़ बताया था कि अगर क्वेश्चन ना बने तो स्किप करके आगे निकलो ठीक है वही चीज़ मैंने किया और जब मैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे गया ना मैं केमिस्ट्री का के बात कर रहा हूँ जब मैंने केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे गया ना मुझे कॉन्फिडेंस फील होने लगा मुझे उस समय लगने लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैंने केमिस्ट्री इतना अच्छा अटैम्प्ट कर लिया था ना पैंतालीस क्वेश्चन आते हैं मैंने चौबालीस अटैम्प्ट करके आ गए थे ठीक है सेंटर से बाहर आते हैं ना तो लोग पूछते भाई कैसा गया तुम्हारा पेपर भाई कैसा गया मैं आई वॉज हैप्पी कि यार मेरा तो हो जाएगा मैं जस्ट आई वॉज वेटिंग कि यार आंसर की है मैं मैच करूंगा और घर में फोन करूंगा कि यार मेरा हो जाएगा आंसर किया है रात में आठ नौ बजे करीब आंसर किया है मैंने मैच किया एंड आई वॉज सॉक्ड यार मैंने इतना मार्क्स लाया था जो मैंने अ, कभी किसी मॉक टेस्ट में नहीं लाया था मेरे 594 मार्क्स आए थे नी टू में जब पेपर थोड़ा टफ हुआ करते थे ठीक है मैंने घर में जब बताया ना कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है सब लोग एकदम खुश हो गए थे मतलब सब लोग खुशी खुश के साथ शॉक्ड भी थे कि आखिर कैसे हो गया पहला अटम मैंने सिलेक्शन ले लिया था और इन चीज़ों को लेके ना हमारे पेरेंट्स हमेशा प्राउड फील करते हैं कि यार ये मतलब इस इस लड़के पे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि इसका सिलेक्शन हो सकता है फिर जब मैं कॉलेज आया ना तो कॉलेज में स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मुझे पता था यार अब इन्जॉय करना है अब इन्जॉय करना है मैंने खुल के इंजॉय किया फर्स्ट ईयर बट ना एक फ़र्स्ट ईयर में एक ऐसा फेज़ आया था कि हमारे घर में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो मैंने सोचा यार कि पढ़ाते हैं हमारे हॉस्टल में ना एक आदमी आया था उन्होंने बोला कि सर आपके पास इतना नॉलेज है तो आप शेयर क्यों नहीं कर सकते है? फिर मैंने सोचा यार सही बात बता रहे मेरे पास नॉलेज है इस नॉलेज को मैं आगे क्या करूँगा फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया कोचिंग वगैरह में तो कोचिंग में एक बच्चे ने बोला कि भैया आप यूट्यूब पर भी आ सकते हो यूट्यूब भी एक ऑप्शन है जहाँ से पढ़ाई जहाँ से आप नॉलेज को शेयर कर सकते हो फिर मैंने शेयर करना शुरू किया यूट्यूब पर और यू you नो know कि इस, मतलब कुछ ही दिन में ना मैंने सबसे पहले अपना स्टोरी शेयर किया था यूट्यूब पे यही स्टोरी जो मैंने तुम्हें बताया कि यही स्टोरी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था और उसी स्टोरी से काफी लोग मेरे से रिलेट कर पाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज ही होते हैं और मैं हमेशा एवरेज लेवल पर रह के बात किया टॉपर से बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं ठीक है जिसके वजह से यूट्यूब पर मैं बहुत जल्दी ग्रोथ कर लिया जब कॉलेज में ना मैं यूट्यूब चलाता था ना मतलब लाइक वीडियोज वगैरह बनाता था तो यार ये चीज़ फेस करना पड़ा मेरे को कि ये बंदा YouTube पे वीडियो बनाता है और वो वीडियो को मेरे कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह में शेयर करके कोई हंस रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं ठीक है बट आई वॉज़ लाइक यर नहीं 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 हो नहीं तो मुझे कुछ अलग करने के लिए थोड़ा अलग बनना होगा ठीक है अगर मैं इनके बातों से अगर डिमोटिवेट होकर छोड़ दूंगा तो मैं लाइफ में कुछ अलग नहीं कर पाऊंगा और मुझे डिफरेंट बनना है और आज मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कॉलेज में हर एक आदमी जानता है हर एक आदमी जानता है तो यूट्यूब मैंने मेंटर करना शुरू किया और मैं तुम्हें बता दूं कि 2021 अभी खत्म हुआ 2022 का नीट वगैरह खत्म हुआ मैंने 100 प्लस स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया और मेरा चैनल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो गया एंड इनफैक्ट अभी आई थिंक दो लाख अट्ठाईस हज़ार के करीब सब्सक्राइबर भी है उस पर तो अभी आगे आगे मैं तुमसे तीन चार मिनट लूंगा और मैं तुम्हें ये बता रहा कि आखिर तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है ठीक है देखो यार अभी तुम्हारे पास तीन मंथ बचे हुए ना तीन मंथ बचे हुए नी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए बस ये सोच लो ना कि ये तीन मंथ मेरे लाइफ का वो तीन मंथ होगा ना जिसमें मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा और यार एक चीज हमेशा याद रखना मैंने हमेशा यही बोला है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम मैं कर सकता हूं मेरा कोई दोस्त कर सकता है तुम्हारा कोई दोस्त कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो तुम भी कर सकते हो बस एक चीज की जरूरत होती है ना पेशेंसली ना हार्डवर्क करते रहो स्मार्टली भी देखो यार तीन सब्जेक्ट है ना चैप्टर्स चैप्टर्स हैं हैं आई थिंक ठीक है, 94 है हमारे पास तीन मंथ है आराम से कर लेंगे हर रोज चैप्टर रिवाइज करो और मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट दो ठीक है की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस फेज में अभी काफी सारे कोचिंग वाले भी मॉक टेस्ट शुरू करेंगे तो मैं हर एक मॉक टेस्ट को ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओ जो सिलेबस होगा ना उसको रिवाइज करके जाओ जो पूरा सिलेबस यार कैसे भी करके जाओ लेकिन करके जाओ एक्सक्यूजेज नहीं देना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ मैं क्या करूं अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है नहीं हुआ है तो क्या करो ना टाइम तो है ना तो वो चीज़ करके जाओ ठीक है और अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं भी आते हैं तो भैया को याद करना यार मेरे भी नहीं आते थे चार सौ चार सौ आते थे यार चार सौ जिसमें कभी होप ही नहीं आ रहा था कि सिलेक्शन होगा भी नहीं मेरे भी नहीं आता अगर तुमने मॉक टेस्ट को सही तरीके से कर लिया ना तुम आराम से सिलेक्शन ले लोगे वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बस तीन महीने तीन महीने अभी बचे हैं इस तीन महीने में रगड़ के मेहनत कर दो सोचो ही मत कि यार मेरा दोस्त का कितना मार्क्स आ रहा है मेरा दोस्त कौन सा बुक सॉल्व कर रहा है कुछ भी मत सोचो अपने आप पे काम करो ये तीन मंथ में मैं कर सकता हूं यार तुम क्यों नहीं कर सकते हो मैं टॉपर नहीं था मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था टेंथ का मार्क्स मैंने तुम्हें बताया कि एट पॉइंट मेरा मार्क्स था ठीक है काफी लोग रिलेट कर पाए पाएंगे मेरे स्टोरी से कर लोगे बस इतना समझ जाओ कर लोगे ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहना मेहनत करोगे सब एक सब्सक्राइब जत्ते करू जत उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा सुनल सुन मिलत बस बनू